भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आम लोगों को बड़ी राहत प्रदान कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2019 और 2020 की पहली मौद्रिक समीक्षा के दौरान नीतिगत दरों में रेपो रेट में 25 बेस पॉइंट की कटौती की गई। अब RBI की नई रेपो रेट 6% हो चुकी है। रिजर्व बैंक ने इसके साथ ही 2019 और 2020 के लिए GDP अनुमान को 0.25% घटा दिया और विशेषज्ञों का माने अगर महंगाई में गिरावट से RBI को अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़ी चिंता पर विचार करने का मौका मिल जाएगा और इस बार आने वाले वृहद आर्थिक आंकड़ों जैसे कि कारों की बिक्री, PMI और साथ ही IIP आंकड़ों से आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती का संकेत मिलता नजर आया। RBI ने आमजन को दी बड़ी राहत, रेपो रेट में घटौती की गई। अब RBI की नई रेपो रेट 6% हो चुकी है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।